हेलो, वेलकम टू केमिकस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, जो है ड्यू एमएससी एंट्रेंस। और ये जो एमएससी ड्यू का जो एंट्रेंस, ये बस 10 दिन में ही आने वाला है, तो इसमें मैं उतना ज़्यादा एक्सटेंसिव कुछ नहीं बताने वाला हूँ। जो मेन मेन चीज़ें, मतलब यू कांट मिस दोज थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू टूडे, ठीक है, मेन मेन थिंग्स मैं बोलने वाला हूँ। तो देखो, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं इसलिए आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पूरा देखो, एकदम एंड तक देखो। इट विल हेल्प यू, लाइक आई हैव एनालाइज्ड क्वेश्चंस एंड देन आई एम टेलिंग, सो इट विल हेल्प यू। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि ये वीडियो देखने के अभी देखते देखते ही शेयर कर दो सबको, क्योंकि ड्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी एग्ज़ाम है। जिन लोगों को भी देखो, जिन लोगों को नहीं हुआ है, मतलब जैम में, तो DU, BHU एंड ACU, दिस थ्री आर द मेन, मतलब बेस्ट ऑप्शन यू हैव चूज, लाइक यू कैन चूज, ठीक है, यू कैन चूज। तो दैट इज़ वाई मैं, मतलब ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है, एवं मतलब इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, मतलब बात कर लेते हैं। तो जाने से पहले, जैसे हर चीज़ का एक ओवरव्यू देना ज़रूरी होता है, तो देखो इसका ये मैं यही बोल रहा था कि एग्ज़ाम का जो ओवरव्यू, देखो DU में क्या होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं और ईच 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स हो गया हमारा 400। और नेगेटिव होता है कितना, हर एक क्वेश्चन गलत के लिए 1 मार्क्स का नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉर्मली कितना जाता है, इस साल का नहीं, मतलब नॉर्मली कितना जाता है वो मैं बताऊँगा इस वीडियो के एंड में ही बताऊँगा। तो देखो, ये था मेरा मतलब ओवरव्यू। तो आप बात कर लेते हैं जो मेन थिंग, तो DU का पेपर का जो मेन टॉपिक है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हर एक पेपर का एक टाइप होता है। जैसे कि अगर आप गेट उठाओ, गेट का कोई भी पेपर उठाओ, तो उसका जो रैंक डिटरमाइन करता है वो करता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो NET टाइप क्वेश्चन होता है वो आपका रैंक डिटरमाइन करता है, जो NET अच्छा करेगा उसका गेट अच्छा जाएगा। लाइक दैट DU का पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनिक अगर आपको अच्छे से आता है तो आपका पेपर अच्छे जाने वाला है। अब ऑर्गेनिक का जो मैं लेवल का बात करता हूँ, देखो तो ऑर्गेनिक का जो लेवल होता है ना, वो थोड़ा सा जैम के लेवल के ऊपर का होता है। मतलब देखो, एक चीज़, कभी भी MSc एंट्रेंस के लिए जा रहे हो तो यू हैव टू कवर जैम, मतलब जैम का सिलेबस, जैम सिलेबस यू हैव टू कवर। पर DU के लिए थोड़ा सा एवब जैम का जो होता है ना, उसको मतलब आपको देखना पड़ेगा। और कैसे करोगे तो मैं बताता हूँ। देखो, एक चीज़ जो ऑर्गेनिक का, मैं पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यू कांट मिस वो मैं पहले बोल देता हूँ। देखो, एक तो है पहले वाला जो रिएजेंट केमिस्ट्री आप छोड़ नहीं सकते हो, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन का आता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और देखो, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम बोलते हैं, जो बेसिक होता है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं नॉर्मली। एसिडिटी बेसिसिटी का ऑर्डर, एसिड बेस में इसलिए लिख रहा हूँ, ऑर्गेनिक से बोल रहा हूँ मैं ये सब। एरोमेटिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो मैंने ACU में भी बोला था, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, BHU में भी आता है। तो एरोमेटिसिटी यू कांट मिस। और जो दूसरी चीज़ है वो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात है, जैम लेवल में कोई भी क्वेश्चन करने जाओ तो आपको नेम रिएक्शन की अच्छे नॉलेज होना चाहिए, हर सारे नेम रिएक्शन। एल्डोल हो गया आपका, क्या बोलूँ मैं, BVO ऑक्सीडेशन जो जिसको हम बोलते हैं वो हो गया आपका, ऐसे कई सारे एस्टर कंडेंसेशन। सो नेम रिएक्शन यू हैव टू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन से भी क्वेश्चन नॉर्मली आते रहते हैं। और क्या बोलूँ मैं इसमें, और एक चीज़ जो है, हाँ ठीक है, वो है तो आपका जो मैंने ECU के टाइम में भी बोला था कि ऐसे SN1 SN2 टाइप जो बहुत सिंपल है, जैम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पे आ सकता है, रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते रहते हैं। SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन को अच्छे से पढ़ो, ये सारे चीज़, ठीक है, ये आप छोड़ नहीं सकते हो। तो क्या क्या हो गया अभी, रिएजेंट केमिस्ट्री, एसिड बेस, एरोमेटिसिटी, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, ऑर्डर, रिएक्टिविटी का, नेम रिएक्शन हो गया हमारा, ये हो गया। और स्टीरियो से मैं जो बोलना चाहता हूँ, स्टीरियो से एक काम करना, RS थोड़ा सा देख लेना, RS देख लेना, फिर देख लेना आप कॉन्फर्मर, ये सारे मैंने ECU के टाइम भी बोला था, लेकिन इसमें कॉन्फर्मर में साइक्लोहेक्सेन देखना ही पड़ेगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन एक बार देख लेना ऑब्वियसली।
ये आपको देखना पड़ेगा। स्टीरियो हो गया, और जो एसयू के टाइम में मैंने बोला था ये नहीं है, एसयू में भी आता है ये सारे क्वेश्चन। मैं कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी एसयू का वीडियो चैनल पे है। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स होता है, बायोमोलिक्यूल्स में नॉर्मली क्या होता है, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, ये सारे आप एक बार देख लेना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, इसका जो रिएक्शन, मेनली रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड का, जो अमीनो एसिड का ज़्यादा असर नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का ही रिएक्शन ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन मेनली एक बार चेक कर लेना। और एक जो टर्पिनोइड्स स्टेरॉइड्स, इस वाले चैप्टर भी बहुत सारे क्वेश्चन में आता है, जैम पे उतना नहीं आता है कभी भी, लेकिन ये ड्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ड्यू का जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका ऑर्गेनिक अच्छा होना चाहिए, ड्यू का ऑर्गेनिक, ड्यू के लिए आप ऑर्गेनिक को मतलब ध्यान रखना। अब तो ये टॉपिक मैंने बोल दिया, और भी सारे टॉपिक है, आप कोई भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हो, दैट इज़ अनदर थिंग। बट मतलब अगर 10 दिन में आपको करना है, जो चीज़ आपको बिल्कुल करना है वो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, एक तो आप जैम का इस साल का नहीं, जैम का जो प्रीवियस ईयर है, लास्ट टू, मतलब 18-19, हाँ ठीक है, ये देख लेना। और उससे भी इम्पोर्टेंट जो है वो डीयू का प्रीवियस ईयर, डीयू का प्रीवियस ईयर आपको करके जाना ही है। डीयू का प्रीवियस ईयर आपको मतलब आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते हो। डीयू का प्रीवियस, लास्ट 4 साल का प्रीवियस ईयर आप अच्छे से कर लो, सॉल्यूशन देख के करो, मतलब कहीं से भी करो, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। जैम हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए। इसके साथ साथ जो करना है, CSIR का 2019 का जो जून और दिसंबर में आया था, जून और दिसंबर में जो ऑर्गेनिक आया है वो करना। अगर कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, मतलब जब 4 मार्क्स का जो सेक्शन है उसमें कई सारे क्वेश्चन होता है बहुत डिफिकल्ट सा, मतलब एटलीस्ट बीएससी लेवल में बहुत डिफिकल्ट है, उसको अगर छोड़ भी मतलब छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन 2 मार्क्स का कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो तुम। 2 मार्क्स का सारे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। CSIR का मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, CSIR का क्वेश्चन करो, ठीक है। ये हो गया आपका जो ऑर्गेनिक का वर्क था, ड्यू करो, जैम अगर टाइम मिले तो करो, CSIR का करो। देखो, ड्यू आपको मतलब हर हालत में करके जाना है, और CSIR आपको हर हालत में करके जाना है। उसके बाद अगर टाइम मिले तो गेट का जो लास्ट 2 ईयर, मतलब 2019 का जो भी ऑर्गेनिक आया था, वो देख लेना, ठीक है। तो ये था मेरा ऑर्गेनिक का जो मेन पॉइंट। अब अगर फिजिकल में आऊँ, फिजिकल क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं आता है, फिजिकल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब ऑर्गेनिक की लेवल में इजी, मतलब अगर मैं फिजिकल को रखूँ तो इजियर देन ऑर्गेनिक आता है, न्यूमेरिकल आता है। अब अगर टॉपिक के बारे में मैं बात करूँ, देखो एक तो सरफेस है, सरफेस रिलेटेड जो सरफेस का जो क्वेश्चन होता है, जो मतलब जो आइसोथर्म्स होता है ना, वो सारे आपको याद करके जाना है, सरफेस एक बार अच्छे से देख लेना। और आपका जो है थर्मो अच्छे से देखना। और जो है देखो काइनेटिक्स तो सबका मतलब बहुत पसंदीदा चैप्टर है, काइनेटिक्स कभी भी छोड़ नहीं सकते। और एक चीज़ जो है ACU में भी है, यहाँ पे भी जो बहुत लोग कर देते हैं, इलेक्ट्रो का बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे मतलब 2-3 क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है, तो इलेक्ट्रो भी आप छोड़ नहीं सकते। आपके बाद जो है क्वांटम आपको देखना पड़ेगा, पार्टिकल इन ए बॉक्स, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और हाइड्रोजन एटम भी देख लेना, थोड़ा मतलब सिंपल सा क्वेश्चन जो है हाइड्रोजन एटम से, बाकी क्वांटम से अच्छा क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड का, तो आपको ये देखना पड़ेगा। देखो चैप्टर में हर और सारे भी चैप्टर होगा, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिजिकल के इसका होगा। अब फिजिकल के लिए मेरा एक ही रिकमेंडेशन है, फिजिकल में देखो एक चीज़, एक तो DU का प्रीवियस ईयर आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, DU का प्रीवियस ईयर में जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, सब करना है। उसके साथ एक IIT JEE मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन आया था, मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन आया था लास्ट 2-3 ईयर का, देखो ये सारे मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ इसका मतलब कि ये पूरा करना नहीं है, इसका सॉल्यूशन हर जगह में अवेलेबल है, आप देख के बस इसको मतलब इसका देखो कि कैसे क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर कैसे निकल रहा है, मतलब जस्ट अ ओवरव्यू यू हैव टू हैव, ठीक है। तो फिजिकल में IIT JEE का जो है
वो देख लेना। डी यू का प्रीवियस ईयर आपको करना ही करना है, ठीक है। और चैप्टर में से और क्या है, हाँ ए, और देखो काइनेटिक्स के साथ साथ थार्मो के साथ साथ जो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में मेनली आयोनिक, आयोनिक आप छोड़ नहीं सकते हो, आयोनिक से क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो ये सारे फिजिकल के लिए था। तो यहाँ से मेन आपका की पॉइंट क्या रहेगा, की पॉइंट क्या रहेगा, की पॉइंट ये रहेगा कि जेई का, जेई का पेपर आपको देखना है। डी यू का प्रीवियस ईयर तो मैं हर बार बोलता हूँ, उसको छोड़ के आपको जेई का भी पेपर देखना है, ठीक है। आप इनऑर्गेनिक देखो, इनऑर्गेनिक का पेपर सिंपल होता है, मतलब सिंपल का मतलब क्या बोलूँ मैं, बीएससी एकदम प्रीलिम्स, मतलब बीएससी का जो प्रिलिमिनरी नॉलेज, जेई का जो नॉलेज अगर आपके पास अच्छा है तो आप ये हो जाएगा आपका। और चैप्टर देखो, चैप्टर इनऑर्गेनिक का हर कुछ मतलब हर ही एक एग्ज़ाम देखने के पहले आपको ये देखना ही पड़ता है। वो एक है केमिकल बॉन्डिंग, दूसरी है आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, दूसरी है कोऑर्डिनेशन, तीसरी है आपका मैग्नेटिज्म। आपका बीएस में और एक चैप्टर होता है रिंग चेन केज, ठीक है, रिंग चेन केज नाम का ही चैप्टर होता है, हुई में आया है। अदरवाइज इसको भी ऐसे आप जो फॉस्फोरस सल्फर इसका जो केमिस्ट्री है, इस वाले चैप्टर ए सी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें भी ये वाले चैप्टर, मतलब नॉर्मली कोई लोग इसको पी ब्लॉक बोलते हैं, कोई लोग इसको, मैं इसे नॉर्मली फॉस्फोरस सल्फर जो केमिस्ट्री होता है ना, बोरन, ये जो केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक्स है, ये बिल्कुल देख के जाना, ठीक है, ये देख के जाना पड़ेगा आपको। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन आप छोड़ नहीं सकते हो, मैग्नेटिज्म आप छोड़ नहीं सकते हो, और ये मेरा एक रहेगा। और यहाँ का देखो आपका जो मतलब अगर मैं इम्पोर्टेंट कुछ मतलब जो आपका टेक मतलब टेक होम मैसेज जो रहेगा वो है, आप आईआईटी जेई इसके लिए भी आप लास्ट 3 ईयर का क्वेश्चंस बिल्कुल लगा लेना, एक बार देख लेना, मतलब आप तो कर पाओगे मुझे पता है, तो बस एक बार देख लेना। और डी यू प्रीवियस ईयर तो हर किसी के लिए है, डी यू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना ही है, कोई भी एग्जाम देने जाओ उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर देखना है। जैसे कि इस बार अगर बी एच यू के बारे में अगर आप बी एच यू का देखोगे ना, बी एच यू का लगभग 40% क्वेश्चन था, 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आया है, तो इसमें भी मतलब आता है, नॉर्मली आता रहेगा, डी यू में भी आएगा। तो प्रीवियस ईयर आप हर हालत में करके जाना है, ठीक है, और आई आई टी जेई का क्वेश्चन आपको उससे करना है, ठीक है। जैम का भी, जैम तो आप खुद दिए हो, ठीक है। इसके बाद मेरा एक ही मतलब आपसे सजेशन है, बोल सकते हो, देखो अगर 10 दिन है, ठीक है, आप इसको दो से मतलब दो टाइप के डेट्स में डिवाइड करो, पहले 7 दिन और लास्ट 3 दिन, ये लास्ट का और ये 7 दिन। देखो ये 7 दिन में जो भी आप क्वेश्चन पेपर का वाला काम है ये सब खत्म करना है, 7 दिन में सब खत्म करना है। और ये लास्ट का 3 दिन रहेगा, इसलिए एक तो बात, इनऑर्गेनिक का फिजिकल का जो जो चैप्टर है सिलेबस में, हर एक चैप्टर को पढ़ के जाना है, हर चैप्टर को बस एक बार देख के जाना है, ताकि बेसिक सा क्वेश्चन आएगा जब आप सब कर पाओगे इनऑर्गेनिक फिजिकल का। और ये क्वेश्चन पेपर करने के साथ साथ ये 7 दिन आपको जो फोकस मेनली करना है वो है ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक का जो भी मतलब चीज़ें हैं वो आपको सब रिवाइज करना पड़ेगा। और इस दिन में पहले तो 3 दिन में आप इनऑर्गेनिक फिजिकल का हर एक चैप्टर करोगे। फिजिकल का कैसे करोगे, फिजिकल का हर एक चैप्टर मतलब पढ़ते टाइम बस मतलब देख लेना आपको इक्वेशन याद है या नहीं। इनऑर्गेनिक का भी ऐसे ही, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर सब कर लिए, अब इनऑर्गेनिक का बस एक बार बेसिक को आप मगअप कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग। तो ये हो गया, ऑर्गेनिक का भी ऐसे हो गया। तो मेरा यही था इसमें जो मेन पॉइंट मैंने बोलना था कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक के मैंने बोला, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बोला, पर जो चीज़ यहाँ से आपको करना है वो है एक आईआईटी जेई का चीज़ है फॉर इनऑर्गेनिक फिजिकल और फॉर ऑर्गेनिक सीएसआईआर का और गेट का क्वेश्चन, ठीक है, आप कर लो एक बार, ठीक है। और अगर टाइम मिले तो मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पीएचडी का क्वेश्चन करना, डी यू का ही पीएचडी का मतलब डी यू और एचसीयू ये दोनों ही पीएचडी भी तो लेता है ना, पीएचडी का एंट्रेंस लेता है, तो इनका क्वेश्चन भी अवेलेबल होता है। अगर मिल गया आपको
ठीक है, मतलब आई विल ऑल्सो ट्राई, अगर मिले तो मैं लिंक में दे दूंगा ड्राइव का। अगर टाइम मिल रहा है पहले ये सारे चीज़ करो, ठीक है, बेसिक पे ध्यान दो, पहले ये सारे चीज़ करने के बाद अगर टाइम मिले तो आप पीएचडी का क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। देखो, और एक चीज़ तो आपका मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि मैं ये कहाँ से बोल रहा हूँ। देखो, मेरा इस चैनल का ही जो एक एडुकेटर है साक्ष्य नाम का, आपको पता ही होगा अगर जो भी पहले से फॉलो करते हो हमें, साक्ष्य, वो ही मतलब 2017 का जो डीयू था उसमें उसका रैंक था AIR 2, ठीक है, साक्ष्य का AIR 2 था। तो मैंने उससे पूछा, उससे मतलब उससे डिस्कस करके ये स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया। अब देख सकते हो उसका AIR 2 था रैंक, ठीक है, 2017 में। तो दिस टोटल स्ट्रेटेजी वॉज मेड बाई हिम बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, ही इज नॉट लाइक एबल टू डू दिस, बट आप मतलब मेरा ही रिकमेंडेशन रहेगा कि उसने खुद क्रैक किया तो उसको पता ही होगा कि कैसे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या करना है। तो देखो, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच जाए और सबका हेल्प हो जाए, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना था, एंड थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइक द एंट्रेंस, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाद में मिलते हैं।